मैं पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स रोल मेरे है। लिए कितना स्ट्रगल कर रहे थे ये मुझे समझ में आ, मतलब उनके क्या चेहरे पे मुझे स्माइल चाहिए थी, और उसके लिए मैं वही मेरा वेलकम मोटिवेशन था, जब भी क्वांटिटी पे मत फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो। संकल्प, वेलकम टू दिस इंटरव्यू। माय नेम इज शुभम झा एंड हमारे साथ है चंद्रशेखर खैरनार सर। ये हमारे आरंभ बैच के स्टूडेंट को और यूट्यूब पे अपने चैनल पे इंग्लिश पढ़ाते हैं। एंड संकल्प, आप अपना एक बार परसेंटेज बताना सभी लोगों को संकल्प, फिर मैं बताता हूँ। 98.2। ओ माय गॉड, 98% है संकल्प का। सर सर संकल्प हमारे बैच का सेकेंड टॉपर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस संकल्प, इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रेट संकल्प, फील। वी आर सो थैंक यू प्राउड सर, ऑफ यू। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नाइस है, परफेक्ट परफेक्ट। अब आप बताओ संकल्प की कैसे, क्या किया, क्या जर्नी थी। सर जर्नी के बारे में वैसे बोलूँ तो इट वाज लाइटली इंजॉयिंग, मींस मैंने बहुत इंजॉय किया 10th में, जितना मैंने 9th तक नहीं वाह इंजॉय किया था उतना मैंने 10th में इंजॉय किया। स्टडी भी की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि मतलब मैं कंसिस्टेंटली, मैंने ऐसा नहीं किया कि 6 6 7 7 घंटे, मैं 2 से 3 घंटे ही डेली पढ़ता था और क्लासेस करता था, लेकिन कंसिस्टेंटली करता था कि हर दिन वो 2 से 3 घंटे देने ही है ऐसा। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यस राइट। सर, रियली इम्पोर्टेंट, आपको 6 6 घंटे देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। वाह, ये सबको मैसेज अच्छा जाएगा। आई थिंक हर एक को ये समझना चाहिए, बिकॉज हमें बहुत सा कॉमनली ना क्वेश्चन होता है कि लाइक किती अभ्यास करायचा, किती तास द्यायला पाहिजे। आणि मी बऱ्याच वेळेस बोलतो की तुम्ही अभ्यास कमी पण केला, 2 3 तास पण दिले, पण थोडं कंसिस्टंट देणं गरजेचं आहे। यस सर, सात एंड सात तास देण्याची काही गरज पण नाही आहे। सर आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी बट आई बिलीव इन क्वालिटी, मतलब मैं जितना टाइम दूंगा 2 घंटे दूंगा, लेकिन मेरा बेस्ट टाइम वो 2 घंटा दूंगा। वाह 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 वाह। हम मतलब हम कितना पढ़ते इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हम या कैसे पढ़ते इट मैटर्स, राइट। यस राइट सर, सर, और यस एब्सोल्युटली जो सर, इसने पहली वाली बात बोली ना सर, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि बहुत ही बहुत सारे अच्छा। बच्चे क्या होता है, कुछ भी बोलते हैं सर हाँ, नंबर आने के बाद। तो वो कुछ भी बोलने का क्या है ना कि जो लोग देख रहे हैं सर वो मतलब, या फिर जो पूछ रहे हैं उस टाइम में वो कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन इसका सही मतलब बात वो थोड़ी कि देखने वाले बेवकूफ है, वो राइट। अगर हो कोई बोलेगा जाता कि है। मैंने 85 पेपर सॉल्व किया, 100 पेपर सॉल्व किया, तो मतलब नहीं, कुछ लॉजिक नहीं है ये उस बात का। आउट ऑफ सेंस हो जाता है ना, इसी बात हाँ, वो बहुत नॉनसेंस लगता है। तो संकल्प ने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताया। अच्छा संकल्प, एक बात बताना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता था और कौन सा डिफिकल्ट लगता था, मतलब कोई रिलेटिवली। सर। वैसे तो मुझे सबसे इजी सब्जेक्ट लगता था मैथ्स और साइंस, दोनों भी मुझे पसंद थे। ठीक है, चैलेंजिंग सबसे हार्ड, मतलब हार्ड नहीं लेकिन थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता था वो, और बोरिंग हिस्ट्री हाँ चैलेंजिंग और बोरिंग हिस्ट्री लगता था, क्योंकि लगता हिस्ट्री था। में मुझे लर्न करने के लिए, लर्न मतलब वो अंडरस्टैंड करने के लिए, वो सुनने के लिए मुझे बहुत मजा आता था, मतलब मैं एक्साइटेड रहता था। फिर जब वाह, आंसर राइटिंग की, मतलब जब मेरे को आंसर लिखने का टाइम आता था तो वो डेट्स याद करना वो सब कुछ, मतलब आई डोंट वांटेड दैट, आई वाज आई गेट हेजिटेटेड फ्रॉम दिस, आई ओके, गॉट वी हेजिटेटेड। कैन अंडरस्टैंड कि वो फैक्ट्स वो लर्न करो बार बार और बाद में भूल जाओ, और हाँ जब बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं तो इट बिकम्स कंफ्यूजिंग कि कहाँ पे क्या था। डेट्स डेट्स हाँ कंफ्यूजिंग हाँ होती है हिस्ट्री में, वही वही तो वही। वेरी गुड। तो कैसे, मतलब मान लो कि सोशल स्टडी पढ़ने में कंटाला आ रहा है, ठीक है, नॉट इंजॉइंग एट ऑल, तो अब हाँ क्या करते थे, ऐसे क्या चीज करते थे जिससे फिर इंजॉय करने लगते थे, मतलब करना तो है, देयर इज नो चॉइस, तो व्हाट वाज द सर, वे यू स्टडीड। सबसे पहले तो मैंने जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही मैंने पूरा दिसंबर जनवरी तक टाइम टेबल बना लिया था कि एक एक ओके मुझे क्या करना है, और ओके मुझे पता था कि मुझे SST थोड़ा बोरिंग जाने वाला है, उसके लिए मुझे मूड नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या किया कि मैथ्स या फिर साइंस के बाद जो मेरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसके बाद उसका स्लॉट, SST का स्लॉट रख दिया। तो सबसे पहले मैं ओके मैथ्स के सम सॉल्व करता था, मैथ्स सॉल्व करता था, तो उससे क्या होता था मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता था, मतलब मैं उस क्या फॉर्म, मोमेंटम हो जाता हाँ था। मोमेंटम में आ जाता था, फिर वाह, वो थोड़ा देर 1 घंटा उतना इनफ होता था, और एट ए टाइम में एक ज्यादा नहीं पढ़ता था SST का, थोड़ा सा एक चैप्टर का आधा पार्ट, मतलब कम पढ़ूंगा लेकिन उस इफेक्टिव वे में पढ़ूंगा। तो वाओ संकल्प संकल्प, अभी अच्छा चंद्रशेखर सर है, ठीक है, ये इंग्लिश पढ़ाते थे, कैसा लगता था जब इंग्लिश पढ़ाते थे। सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो। और मुझे बताओ कि इजी लर्निंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जब आपके प्रिपरेशन में रिजल्ट आपका है 100% रिजल्ट आपका, यस पेपर में सर, नहीं लिख के आते तो क्या ही होता, राइट। तो आपने वही पेपर में बिल्कुल लिखा है बिल्कुल इसलिए रिजल्ट आया, बट जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है उसमें इजी लर्निंग और टीचर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब हर एक टीचर का, मेरे पेरेंट्स का, सबका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर मेरी फैमिली मुझे साथ नहीं देती, वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे टाइम, मतलब मैं कई बार रात रात तक
पढ़ता था, तो तब वो मतलब उनकी नींद को भी मतलब डिस्टर्ब तो होता था ना उनको, ओके तो ओके फिर भी उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया, और हर एक टीचर ने अपना बेस्ट देने मतलब बेस्ट जो उनमें है वो हम सब स्टूडेंट्स को देने को ट्राई किया है। चंद्रशेखर सर भी मतलब उन्होंने ग्रामर ही बहुत पढ़ा है, मतलब चैप्टर्स वगैरह तो मैंने उनसे नहीं मतलब किधर भी पढ़े नहीं है, चैप्टर्स जस्ट मैंने रीड किए थे वो भी एग्जाम के 10-15 दिन पहले। ओके राइट लेकिन जो ग्रामर ग्रामर जो है वो सिर्फ पेपर के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ के इंग्लिश में भी वाओ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले उस करता हिसाब है। से मतलब मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला सर से भी, और बाकी के टीचर भी बहुत अच्छे थे। वाह मस्त 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 वेरी गुड। अच्छा एक बात बताना संकल्प, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे आपने बोला कि मैंने नवंबर तक का प्लान बनाया था कि ये करना, तो प्लान कितने हद तक फॉलो हुआ? क्या हमेशा फॉलो होता था या कभी कभी बार नहीं फॉलो होता था? एक आध बार हुआ सर कि मतलब मेरा मैं ऐसा ये टाइम स्लॉट में 6 से 7 बजे मुझे ये करना है, 8 से 9 बजे ऐसा नहीं करता था मैं। मैंने पहले वीक वीक का प्लानिंग किया था कि इस वीक में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने इतना हैं। कंप्लीट करना है। हाँ, तो फिर हर एक वीक के मतलब संडे के रात में 10 बजे 10:30 बजे मैं लेके बैठता था मेरी डायरी, और फिर वो चैप्टर इस वीक में कौन से चैप्टर्स है, और फिर उसको मैं डेज में डिवाइड करता था, और फिर हर ओके सुबह उठने के बाद में मेरा टास्क दिखता था कि आज क्या क्या कंप्लीट करना है। मेरा एम यही होता था कि मुझे वो दिन के टास्क कंप्लीट करने, तो इससे मतलब वो फॉलो करना इजी हो गया था। टास्क टास्क वाइज करने से क्या होता था कि मैं जब तक मेरा टास्क खत्म नहीं होता मैं सोता नहीं था। सही बात है। ये बात ना सर मुझे बहुत सही लगी। कई बार क्या होता है ना सर, बच्चे जो प्लान बनाते हैं वो ना टाइम वो होता है, टाइम उसका एक डेड एंड होता है कि मान लो कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, आप 2 घंटे में कितनी पढ़ाई हुई इस बात का कोई वो नहीं है। तो राइट रैदर राइट देन मतलब टाइम ओरिएंटेड इट शुड बी लाइक कि टारगेट ओरिएंटेड, मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि परफेक्ट हाँ मुझे मान लो सर कि ये 4 चीजें करनी है, अब ये 4 चीजें जब तक हो जाए, हाँ राइट जब तक ये राइट 4 चीजें नहीं होंगी मैं कोई भी नया चीज नहीं लेके आऊंगा, वो राइट। इम्पोर्टेंट है। राइट ये राइट टारगेट ओरिएंटेड टाइम टेबल रहेगा तो बिल्कुल पूरा होता है। सर आपको कुछ पूछना है प्लीज पूछिए चाहो संकल्प से। पूछता हूँ डेफिनेटली। देखो संकल्प, कुछ ना ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो उसमें आउट ऑफ लेके आते हैं, तो ऐसे हाँ, कुछ सब्जेक्ट थे तुमने सोचा था कि इसमें आउट ऑफ मेरा लाना है मेरा मुझे? और टारगेट था कि मैं साइंस मैथमेटिक्स और SST में आउट ऑफ लाऊंगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट है जिसमें मुझे मतलब ऑब्जेक्ट का परफेक्ट आंसर लिखूंगा तो मुझे मार्क्स मिलने, वो उधर मिलने हैं टीचर्स काट नहीं सकते मार्क्स। लेकिन परफेक्ट लैंग्वेजेस में परफेक्ट क्या होता है कि अगर यस मतलब यस आपके टीचर जो चेक कर रहे हैं उसके हाथ में होता है किधर मार्क्स ज्यादा देने के किधर सही कम, बात है सही बात है सही बात उधर भी है। हम कर सकते हैं इम्प्रूव अगर हमारे मतलब पूरी लैंग्वेज अप टू डेट होंगी, सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा राइट होगा, तो राइट फिर राइट उधर भी हमें आउट ऑफ मार्क्स नहीं लेकिन 5 में से 4.5 तक तो हम ले सकते हाँ मैं हैं। हमेशा यही बोलता था कि चलो नहीं, आपको मुझे पता था हाँ क्योंकि सर, जब मैं आपकी 30 क्या डेज से सेंटेंस पेपर है? चेक करता हूँ, मैं आपको हमेशा बोलता था कि एंड वी हैव अ सेम थिंकिंग एज ए एग्जामिनर कि भले चलो आपको 5 out of 5 नहीं मिलता है बट अटेम्प्ट तो हमें वही देना है। चलो आधा मार्क्स गया तो हम उतना समझ सकते हैं क्योंकि लैंग्वेजेस होती है और ग्रामर में तो बहुत अलग अलग ऑब्स्टेकल्स है। मैंने बताया था आपको अलग अलग कंसेप्ट, दो दो मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस, वहां पे छोटी भी गलती होती है तो आपके शायद दोनों मार्क्स जा सकते हैं, आपको हाँ मैंने हमेशा बताया था। तो वहां पे इस कंडीशन में आउट ऑफ लेना ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं बोलता था कि अगर 90 भी आप क्रॉस करते हो तो आई विल बी सेटिस्फाइड। और लैंग्वेजेस में स्पेशली इंग्लिश में भी अगर बोलेंगे तो 90 भी क्रॉस करते हो तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि ये मुझे पता है कि लैंग्वेजेस में जहाँ पे इतने अच्छे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ग्रामर होता है, राइटिंग स्किल में शायद प्रेजेंटेशन हो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ओवर राइटिंग हो जाए, तो उसके भी मार्क्स आधा आधा मार्क्स है वो थोड़ा कट होता है। हाँ और फिर भी हाँ वही वहाँ आउट ऑफ लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट फिर भी हमें थिंकिंग तो यही रखनी होती है कि आउट ऑफ आना चाहिए। और तो मेरा ऐसे कि हाँ इंग्लिश का मेरा टारगेट था, इंग्लिश के लिए मुझे 95+ मतलब मिनिमम 95 तो मार्क्स लाने, और मुझे इंग्लिश में 96 है माय करेंटली। गुडनेस, मुझे पहली बार पता चला कि तुम्हें 96 मिले हैं। ग्रेट है थैंक वाओ आउटस्टैंडिंग है। यू सर, नाइनटी थैंक। सिक्स इट्स नॉट अ जोक यार, डेफिनेटली लैंग्वेज और अभी इंग्लिश में जहाँ पे इतने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ग्रामर एंड ऑल दैट, उसमें सब मैनेज करना इट्स नॉट इजी। ओके तो जब भी वेट जब तुम अटेम्प्ट कर रहे थे तो अप्लाइंग एनी फॉर्मूला इन मैथ्स और अप्लाइंग एनी स्ट्रक्चर वाइल सॉल्विंग ग्रामर सेंटेंस, तो एक डर था लाइक हेजिटेशन टू बी नॉट टू बी क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर वो 3 घंटे वो मैं आपको ही स्टार्टिंग पता। हाँ स्टार्टिंग में था सर, लेकिन मेरा सिलेबस जो है वो दिवाली तक ही खत्म हो गया था, मतलब मैंने सेल्फली राइट भी और आपके जो लेक्चर्स थे स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो मैं एज ए रिविजन लेता था, मतलब रिवाइज होता था। पहले मैं खुद पढ़ के शुभम सर राइट राइट के राइट यूट्यूब पे लेक्चर देख देख कर मैंने राइट मतलब
वो सिलेबस ही कंप्लीट कर कंप्लीट कर लिया दिया था। हाँ वन शॉट तो वाले वीडियोस, पहले मेरा भी, हाँ वन शॉट की वीडियोस, तो मेरा भी होता था। उसके बाद सर के क्लास में भी लाइव मैंने, क्लास थे। मतलब राइट राइट उससे राइट फर्स्ट डिवीजन होती थी और फिर स्कूल में थर्ड सेकेंड डिवीजन। तो विदाउट गिविंग अ स्पेसिफिक टाइम टू रिविजन, मेरा एक ही टॉपिक तीन तीन बार पढ़ के हो जाता था, मतलब हाँ प्रॉपरली परफेक्ट रिवाइज दो बार और एक बार पढ़ के, ऐसा हो गया था। परफेक्ट। इसलिए मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए थे। संकम मोहन ना बच्चे बोलते हैं कि सर अभी नए बैच में भी और पहले बैच में भी बोलते थे कि ग्रामर के लिए कौन सा बुक अप्लाई करना है, कौन सा यूज करना चाहिए। मैं तब भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ कि ग्रामर में कुछ भी बुक मत यूज करो जो भी हम यहाँ पे हाँ लेते हैं। हमने एग्जाम से पहले पहले भी देखो कितने ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व किए अलग अलग टाइप के। ये सर, तो क्या तुम एग्री करते हो कि जो हम यहाँ पे लेते हैं फिर वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो वो सफिशियंट हो जाता है प्रॉपरली, यस इंग्लिश सर के बारे में अगर बोलना चाहे तो? सर। और इंग्लिश का ग्रामर का, जैसे आपने बोला, मैंने इंग्लिश के लिए भी और कौन से भी सब्जेक्ट के लिए दूसरा कोई रेफरेंस बुक लिया ही नहीं था। मतलब जो परफेक्ट टेक्स्ट बुक है उसी टेक्स्ट बुक को मैं फॉलो करता था। ग्रामर के लिए भी जो भी आप टॉपिक्स पढ़ाते थे ना, बाद में मैं जस्ट रिवाइज करने के लिए टेक्स्ट राइट, बुक का ही कौन सा भी एक एक चैप्टर क्वेश्चन उठा आते लेता हैं। था, हाँ चैप्टर उठा लेता था, उसके सेंटेंसेस में मैं परफेक्ट अप्लाई परफेक्ट करके देख लेता, तो फिर राइट बेस्ट राइट राइट प्रैक्टिस राइट होते थे। वाह 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 परफेक्ट बहुत सही स्ट्रैटेजी परफेक्ट है बहुत अच्छा था अंकल। मैं माइक। देख रहा हूँ ना कि तुमने 3 जुलाई को एडमिशन लिया था, हाँ ठीक सर, है, और ओके तुमने मैंने देखा सर इसने 7:37 AM मॉर्निंग में एप्लीकेशन डाउनलोड किया, सेवन हाँ थर्टी एट ए एम 1 मिनट बाद इसने पेमेंट करके बैच डायरेक्ट ज्वाइन किया, ठीक है। मुझे वाह जो दिख रहा है मेरे सामने, ओके 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 हाँ, तो मतलब इतना पटक से जो तुमने ट्रस्ट किया या फिर जो डिसीजन तुमने लिया कि मुझे ऑनलाइन में पढ़ना है, तो वॉज इट अ गुड डिसीजन एट द एंड? नंबर्स तो बता यस रहे सर, कि हाँ, रियली बट गुड डिसीजन था, रियली गुड डिसीजन था। क्या फायदा हुआ ऑनलाइन से जो तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारे दोस्त ऑफलाइन में है? तुम अपने स्कूल में भी फर्स्ट टॉपर हो गए, सो हाँ सर, फर्स्ट में स्कूल। हैप्पी सो हैप्पी सो प्राउड ऑफ यू। तो ऐसे भी लोग होंगे ना जो ऑफलाइन गए होंगे, राइट? हाँ, तो बहुत सारे लोग। उनके वो मान लो कि उनके प्रिपरेशन में और तुम्हारे प्रिपरेशन में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज रहा वो मुझे बताना। सर ऐसा कोई स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं था, लेकिन जब मैं ऑफलाइन, मतलब स्कूल को भी, मेरा स्कूल बहुत दूर था मेरे स्कूल, और क्लासेस के लिए भी ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा, और पुणे में जाता आप, है आपको हाँ मालूम है, हाँ पुणे जैसे सिटी में ट्रैफिक वगैरह बहुत रहती है, हाँ ऑफिस में भी बहुत भीड़ रहती है, तो मेरा मतलब एनर्जी बहुत लूज होता था। तो मैंने 10th के, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा फिक्स था कि इस बार मुझे ऑफलाइन, मतलब मैंने क्लासेस ही नहीं लगाए थे 10th में, मैंने फर्स्ट बार कोचिंग या फिर क्लासेस ज्वाइन किए, और 10th के लिए तो मेरा फिक्स था कि मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है। सबसे पहले 9th में जैसे मैंने किया, वैसे मैंने 10th की स्टार्टिंग भी यूट्यूब से ही चालू की थी, मतलब आपके वीडियोज वगैरह देख देख कर। लेकिन एक दो वीडियोज में आपने मतलब बताया था, तो उससे मुझे आप इजी लर्निंग ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो फिर आप पे मुझे ट्रस्ट था, इसलिए आपके वेबसाइट पे भी मैंने मतलब ऐप से रोए परचेज जाकून किया। विश्वास ठेवला इन मराठी वी से दैट। हाँ वेरी गुड संकल्प, आई एम सो लुक हैप्पी। संकल्प, वेट हाँ सर, व्हाट इज मोटिवेटिंग फॉर अस एक्चुअली संकल्प? पुणे म्हणजे शिक्षणाचं माहेरघर, ओके, यस सर आणि इट इज नोन फॉर एज्युकेशन, द बेस्ट अँड क्वालिटी एज्युकेशन, यस सर आणि आम्ही ऑनलाइन अँड फ्रॉम इझी लर्निंग आम्ही तिथे एक टॉपर दिला। आय थिंक इट्स क्वाईट मोटिवेटिंग फॉर अस, संकल्प थँक्यू के सर, स्कूल के बढ़िया बारे में। बढ़िया। संकल्प प्लीज टेल अबाउट योर स्कूल, के आपके स्कूल में हो आप, सुनो सर पहले। यस सर, मेरी जो स्कूल है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्कूल है, न्यू ओके इंग्लिश स्कूल। देखना, यस यस मैंने सुना है, हाँ, न्यू बहुत इंग्लिश स्कूल रमन बाग, जो कि वाओ लोकमान्य टिड़क जी इन्होंने शुरू किया था। मेरे स्कूल केसरीवाड़ा, जिधर मतलब टिड़क और आगरकर जी का जो प्रेस था, ओके राइट 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 उसी के हाँ एकदम सामने, मतलब क्या बगल में ही है एकदम। माय गुडनेस और मतलब ये स्कूल जो है, मतलब तिलक जी ने जब से जब चालू किया 19 आई थिंक एट सॉरी हाँ 1894 समथिंग, आई ओके डोंट नो एग्जैक्टली डेट, बट उससे भी पहले यहाँ पे उसी जगह पर एक स्कूल था। बाद में उसकी बिल्डिंग मतलब पूरी निकल कर नई बिल्डिंग बनाई दी गई थी, ओके ओके हाँ लेकिन वो जो पुरानी स्कूल थी उस जगह, उधर स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी भी पढ़े, मतलब। माय गुडनेस क्या हिस्ट्री है स्कूल की, और जबरदस्त। सर हाँ सबसे अच्छी बात है कि बच्चे को इतना पता है सर, आज के टाइम में लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका इतना नहीं पड़ोसी पता, कौन है, हाँ सही बात है, राइट? ये तो ये परफेक्ट अवेयरनेस ना बहुत अच्छा है, इसने जब मुझे इतना। बताया था तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा तब डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दैट। संकल्प अभी थोड़ा सा ना इस चीज के बारे में बात करते हैं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली लोग तो देखेंगे, हाँ उनका कुछ फायदा होना चाहिए। बराबर अब है, मान लो कि बहुत सारे लोग, तुमने देखा होगा कि क्या करते हैं,
एक एक लाख रुपए ट्यूशन में देते हैं, 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपए होते टेंथ की होते ट्यूशन में होते देते अरे हैं। अभी तुमने तो 11th में पहली बार ट्यूशन लगाया और वो भी तुम्हारा कुछ गोल है अचीव करना है जिसके लिए बहुत जरूरी है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो अभी तो वो जरूरी है, बट क्या 10th स्टैंडर्ड में 50 हज़ार, 30 हज़ार, 60 हज़ार रुपए ऐसी फैमिली जो मतलब उतना कमाती भी नहीं है सर, राइट, हाँ वो राइट टुकड़े राइट टुकड़े में देते हैं, क्लास वाले उनको कॉल कर करके इरिटेट कर देते हैं, पैसा दो पैसा दो, और वो बहुत बेकार लगता है। क्या इतना पैसे देने की जरूरत है? या फिर जैसे मान लो कि हम लोग इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, लिमिटेड बच्चे लेके वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, ऑनलाइन मतलब आपका जैसा प्लेटफॉर्म है, और सर आप ही के फ्रेंड है पार्क में है, सर उनका भी ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है और यूट्यूब है वो, मैं मतलब मेरा बिलीफ है कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग अंटिल मतलब अप टू 10th। बिल्कुल सही क्योंकि बात 11th 12th में अगर आप स्पेसिफिक एक आध एग्जाम के लिए, जैसे जेई के लिए, नीट के लिए, या फिर यूपीएससी एमपीएससी ऐसे अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस क्लास में मतलब जहाँ में आप ट्यूशन में लगाए, कोचिंग लगाए 11th 12th के लिए, जेई के लिए, तो उधर मुझे अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, उसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक मतलब बहुत हाई लेवल पे जिन्होंने पढ़ाई की, उसे टीचर्स मिलते हैं, डाउट सॉल्वर्स मिलते हैं, मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके साथ पढ़कर मैं और नॉलेज ले सकता हूँ। सही बात तो है, ग्रुप इलेवन बनता है। ट्वेल्थ ऐसे ही एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन इज द बेस्ट वे, बट हाँ अप टू 10th आपको क्या है कि एक बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, क्वेश्चंस के जो टाइप्स है वो भी एक वाह ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। सो इस मतलब उसके लिए ऑनलाइन इज गुड। आप ऑफलाइन में जाएंगे तो ऑफलाइन इज मच बेटर, मीन्स नो वे ऑनलाइन कैन कैन नॉट बी कंपेयर टू द ऑफलाइन, बट फॉर कोचिंग एंड ट्यूशंस टिल 10th वी शुड प्रीफर ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन में हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। सेव हो जाता है और एनर्जी भी बहुत सारी सेव होती है। सही सही बात है, बात उसको राइट तुम राइट कहीं और पुट कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक हाँ है, जो राइट तुम्हारे राइट ब्रेन को उल्टा डेवलप, लोग सर समझते ही नहीं है पता नहीं क्यों, कि अगर वही बच्चा वही खेलेगा कूदेगा तो उसका एक साइड ऑफ ब्रेन डेवलप होगा, क्रिएटिव चीजें करेगा, तो सही पढ़ेगा बात लिखेगा दूसरा है, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, लोग परफेक्ट परफेक्ट परसेंटेज डेवलप करने के चक्कर में लग जाता है, आई डोंट नो व्हाई। राइट अच्छा सर। मैं और मैं एक मतलब चीज बताना चाहूंगा कि मेरा कल बोर्ड का एग्जाम है, फिर भी मैं मतलब पिछले दिन क्रिकेट खेल रहा था, मतलब मैंने मेरा क्रिकेट मतलब मैं वाह खेल रहा था, बेस्ट एग्जाम चालू थे तब भी मैंने मेरा 1-1.5 घंटा जो था वो मेरे मतलब खेलने के लिए खेलने दिया, में क्योंकि दिया, उससे मुझे रिफ्रेशमेंट वाह होता वाह था और जब मैं स्टडी करता था तो ज्यादा फोकस से कर पाता था। राइट और राइट पता है राइट इसके पीछे का रीजन, एक तो फोकस तो तुम्हारा बड़ा ही, और तुम खेल इसलिए पा रहे थे इतना रिलैक्स होकर के क्योंकि तुमने साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ा, यस सर तुमने वो नहीं किया कि हफ्ते में एक बार बैठ के 10 घंटे पढ़ रहे हैं बाद में पढ़ ही नहीं रहे, तो ये परफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ना सर सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब जितने भी बच्चों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, संकल्प मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा, मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूंगा। इनफैक्ट क्या यस सर होता है कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस चलते हैं कि टॉपर बनने के लिए ये करो, टॉपर ठीक बनने है के लिए हाँ वो करो, ठीक है, मतलब अलग अलग वीडियोज आते रहते हैं, मैं भी बनाता हूँ बिंग वेरी ऑनेस्ट, कि ये चीजें करो वो चीजें करो, तो क्या जब हम कोई वीडियो देखते हैं जिसमें 3 टिप्स 4 टिप्स 5 टिप्स होते हैं, और जब प्रैक्टिकली हम एक टॉपर बनने के लिए एफर्ट डालते हैं, जब हमारा एक टारगेट होता है कि 95 के ऊपर लाना है और हम वो टारगेट अचीव भी कर लेते हैं, तो जो वीडियोस में हम देखते हैं और जो रियलिटी में हम करते हैं उसमें कितना अंतर होता है? सर, वैसे तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, अभी भी मैं देखता हूँ, लेकिन मतलब बहुत सारे वीडियोस में वही वही चीजें बार बार बताई जाती है, कुछ नया नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वे में उसका एप्लीकेशन करने जाते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब जिस तरह से बताया जाता है कि ये बहुत ईजी है, उतना ईजी वो एप्लीकेशन करते वक्त होता नहीं है, उसमें बहुत स्ट्रगल बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आप वो मतलब स्टार्ट करने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप जब जब उसको स्टार्ट करोगे ना तो उसी में मजा आने लगता, सही। तो फिर वो मतलब डिफिकल्ट नहीं रहता। अच्छा संकल्प, व्हाट वाज योर मोटिवेशन, किस चीज से तुम मोटिवेट होते थे अगर एक बार कॉल हुआ टू गेट टाइम टेबल? नाइन्थ तक मैं पुणे में नहीं था, मैं रायगढ़ में था, खोपली आप ओके जानते होंगे, लोनावड़ा, लोना पता है वाला, हाँ खोपली, मैं पता है। लोनावड़ा में था। लेकिन 10th में क्या हुआ, मेरे फादर की मतलब ट्रांसफर हो गई, वो टीचर है, मदर भी टीचर है, गवर्नमेंट ओके सर्विस, ठीक है, मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई, और मतलब उन्होंने जानबूझ के करवा ली थी कि मेरे स्टडी मेरे करियर के लिए, पुणे, हाँ राइट, हाँ, लेकिन मेरी मम्मी की अनफॉर्चुनेटली मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाई, और वो अभी भी नहीं हुए, वो शायद ये साल हो सकती है, फिर एक और साल जा सकता है। ओके 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 तो जब मैं मतलब इधर आया था तो पापा मतलब हम दोनों मतलब एक साथ, मेरा भाई भी है छोटा, हम तीनों साथ मिलकर ओके रहते थे इधर, मेरी दादी थी मेरे पास थोड़े दिन के लिए, उसके ओके बाद उनको भी गांव में काम होता है तो वो भी चली गई, तो हम
खुद मतलब बाहर मेस में खाना खाना या फिर सब कुछ सब जो काम काम वगैरह होते हैं वो सब खुद हम से ही करना, करेंगे। घर में मतलब हाथ ओ बटाना हाँ पड़ रहा है। तो राइट मुझे राइट, मतलब पहली बार मतलब मम्मी मदर कितनी इम्पोर्टेंट होती है घर को ये चलाने में वो तो भी समझा। समझ में, वाह और मतलब मैं पेरेंट्स का क्या पेरेंट्स रोल मेरे मॉडल। लिए कितना स्ट्रगल कर रहे थे ये मुझे समझ में। और मतलब उनके क्या चेहरे पे मुझे स्माइल चाहिए थी और उसके लिए मैं वो ही वाह मेरा वाह मोटिवेशन था। जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता था डिस्ट्रैक्टेड होता था तो जस्ट मैं जाके मतलब पापा को मिलता था पापा को देखता था और फिर तुरंत मतलब उसके बाद मैं ऑटोमेटिक पढ़ने लगता था। में मतलब पढ़ने बैठ जाता था। ग्रेट है, ट्रस्ट मी सर, कि ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। जबरदस्त लोग जबरदस्त। ना सर इस एज में क्या करते हैं, इधर उधर प्यार मोहब्बत के चक्कर में अटकने लग जाते हैं, अरे राइट, वो बकवास और है अपना चीज। मोटिवेशन उधर ढूंढने लगते हैं। देखो तुम्हें प्यार मोहब्बत चाहिए तो तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट सोर्स है, तुम्हारे पेरेंट्स। वो ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें तभी वहां पे रियलाइज होगा जब तो तुमने, हाँ, इनफाइनाइट लव मिलने वाला है। राइट, जब तुम, वो खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा सीरियसली। राइट, तुम गलतियां करो, सब करो, वो तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए डांटेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, लेकिन राइट लास्ट में राइट तुमसे राइट प्यार ही करने वाले हैं। और राइट राइट ये समझ में तुम्हें तभी आएगा ना, जब तुम अपने पेरेंट्स से दूर जाओगे, अगर तुम ऐसे समझ जाओ हमारी बात सुन करके। एक कहावत है सर इंग्लिश में, मतलब एक लाइन पढ़ा था मैंने, कहा कहीं कि एक समझदार आदमी ना सर, ठीक है, हाँ अपने दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेता है, ठीक है, वाह हाँ एक हाँ समझदार आदमी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेता है, और जो ठोकर लगने पे भी ना समझे उसको क्या बोला जाए पता नहीं, पता नहीं, सही ठीक है, अब बात, उसको क्या बोला जाए ये पता नहीं। तो वाह एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इधर उधर मोटिवेशन मत ढूंढो। क्लास 10th मोटिवेशन टू स्टडी, गो लुक एट योर पेरेंट्स घर घर बड़ी, पे ही जस्ट लुक एट योर मोटिवेशन है पेरेंट्स, आपको। राइट सर, एक बार अपने पेरेंट्स को राइट देखो, कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, राइट, सही वो सही क्या चाहते सही हैं राइट तुमसे, तुम्हें अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, और वो खत्म भी नहीं होगा मोटिवेशन। सही हाँ सर, वेरी बात, गुड, वेरी ऑनेस्ट संकल्प, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चे। बहुत अच्छा बहुत, थैंक यू सर। मोस्टली तो सर जो मैं सवाल पूछना चाहता था ना, संकल्प ने सारी चीजों को ना मतलब ऐसा दो चार आंसर में ही समराइज कर दिया है। कर दिया है संकल्प, कोई मैसेज सर आप कुछ पूछना चाहते हो, मतलब इसने जो बोला है उस चीजों के बाद ना, मतलब मुझे जो भी मेरे पास लिस्ट है ऐसे 15-16 क्वेश्चंस की, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ भी पूछने का मतलब है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो ही चुका है, इवन मुझे भी लाइक मोर देन एक्सपेक्टेशन सब कुछ मिल गया है जो भी राइट, एक्सपेक्टेड था माइंड में था। और एंड ही इज तभी, वेरी ऑनेस्ट विथ ये स्पीच जो भी बोला, राइट वेरी ऑनेस्टली वेरी राइट सर, अच्छा मतलब लाइक राइट, परफेक्ट। बिल्कुल सही। सो संकल्प, कोई भी ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि आप देना चाहते हो अपने जूनियर्स को, जो जिससे उनका फायदा हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज जिसके लिए उनको मना करना चाहते हो जिनसे उनका नुकसान हो सकता है। बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 10th इज द बेस्ट ईयर, मतलब आपके लाइफ का बेस्ट, स्कूल लाइफ का बेस्ट ईयर है। स्कूल लाइफ यहाँ पे खत्म होती है, राइट आपको पढ़ना भी है उसी के साथ एंजॉय भी करना है, लेकिन एंजॉय करते वक्त अपने पढ़ाई को मतलब उससे दूर नहीं जाना है। जितना पढ़ाई करना है उतना एंजॉय भी करना है और मतलब बैलेंस करना है सभी चीजों में, यही मैं कहूंगा। और एक चीज में मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक कभी भी एक भी आंसर भी नहीं रटा है, कुछ भी फॉर्मूला भी नहीं रटा है, और वाह कौन से भी सब्जेक्ट में कौन सी भी चीज मतलब रटना मुझे पसंद नहीं है। वाह मैं मेरे टीचर्स थे मतलब स्कूल के एक दो टीचर्स थे, वो बोलते थे कि ये तो मतलब ये दो आंसर से फिर मतलब ये फॉर्मूला है उसी को तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो मैं उनसे हिल्ली डिबेट करता था कि कैसे मतलब रटना बुरा है और बिना रटे भी हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते, अच्छा परसेंटेज ला सकते। वो मतलब झगड़ता नहीं था मैं, लेकिन एक हेल्दी वे में हाँ, उनसे बातचीत एक करता हेल्दी था। डिस्कशन होता था, हाँ हेल्दी राइट डिस्कशन राइट होता था। और मतलब मेरा ये मोटिव था, क्या कहते हैं हम, कि मैं कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी चीज रटूंगा नहीं, जो भी करूंगा वो मेरे समझ के कंसेप्चुअल करूंगा, अंडरस्टैंडिंग हाँ समझ लूंगा, फिर मैं मेरे मतलब वर्ड्स में मेरे खुद के वर्ड्स में आंसर लिखूंगा। साइंस में भी क्या होता था कि मैंने एट द एंड नवंबर में मेरा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद मैंने दिसंबर में PYQ जस्ट गो थ्रू कर लिए। PYQs मैंने ज्यादा सॉल्व नहीं किए थे, सेंस लेकिन नहीं है PYQs गो थ्रू करने के बाद मुझे क्या मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते उसका आते आइडिया आ हैं। गया था। और सभी सब्जेक्ट का क्या कहते हैं पेपर पैटर्न होता है वो मतलब मेरे आंखों के सामने था वो कि कौन सबसे सा भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है में सर, राइट लास्ट टाइम रिविजन लास्ट पेज में रिविजन कर रहा था, तो ये टॉपिक मुझे किस एंगल से पूछा जा सकता है ये ये पता मैंने था, आइडिया आ गया था हाँ ये, ये मैंने पता था, ये मैंने पता कर लिया था। सो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, ये
मैंने मैंने सब जगह अप्लाई किया और मैं फ्यूचर में भी अप्लाई करने ही वाला हूँ। सो मैं बिल्कुल यही सभी मेरे फ्रेंड्स मेरे जूनियर्स को बताना चाहूंगा कि क्वांटिटी पे मत फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस बिल्कुल करो। सही बात है। वाह वाह वाह, एंड इनफैक्ट सर पता है मुझे पेरेंट्स ऐसे कई बार पेरेंट्स से बात होती है, ठीक है, तो पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चे को, क्योंकि क्या होता है सर मोस्टली पता नहीं क्यों लोग ना परसेंटेज देख के एडमिशन लेते हैं कई सारे 10th में क्लास में, कि इस हाँ क्लास में हाँ इतना परसेंटेज है तो इसमें क्लास जाएंगे, उस क्लास में इतना परसेंटेज है तो उसमें जाएंगे, बट हाँ हाँ होता हाँ क्या है सर कि पढ़ने वाले बच्चे जाते रहते हैं उस क्लास में, उधर का रिजल्ट आता रहता है। सिंपल सी बात है, टीचर ऑब्वियसली वो तो तो है, अच्छा पढ़ा ही रहा है, राइट, अभी राइट अपने पास जो राइट टीचर है अच्छा पढ़ा रहा है बच्चों का, उससे फायदा हो रहा है, बच्चे ट्रस्ट करके आ रहे हैं उनका बस फायदा हो रहा है और अपने को दैट्स रिजल्ट आ रहा है, राइट। इट। मुझे पेरेंट्स जब कई बार बोलते हैं कि हमारे बच्चे को 99% चाहिए, 98% चाहिए, आप गारंटी दोगे, तो मैं अक्सर पेरेंट्स को एक बात बोलता हूँ, बिल्कुल 100% गारंटी दूंगा, आप इस बात की गारंटी दोगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चा एग्जाम में वही लिख के आएगा, राइट? अगर वही लिख के आएगा तो 100% आएगा, आप 97 98 की क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो सभी पेरेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चे पे अनवांटेड प्रेशर मत लगाओ, इनफैक्ट अपने बच्चे को ये समझाओ कि बेटा जो भी पढ़ रहा है 100% सिलेबस मत पढ़ के जा, बस 50% पढ़ के जा, 60% पढ़ के जा, लेकिन उसको समझ के पढ़ के जा, क्योंकि समझ के उससे पढ़ उसका के विजडम डेवलप होगा, वो राइट। इम्पोर्टेंट बात और परसेंटेज क्या है वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा उसका, बढ़ क्योंकि वो बच्चा जाएगा। स्मार्ट होते जा रहा है। ऐसा कभी होता हुआ है सर कि कोई बहुत स्मार्ट बच्चा उसके नंबर कम आ रहे हैं? कभी नहीं होता ही सर नहीं, ऐसा, कभी नहीं होता, कभी राइट। नहीं, तो आपको अपने बच्चे का नंबर नहीं बढ़ाना है, अरे वो तो प्रोडक्ट है, वही आपको अपने बच्चे पॉइंट का ना विजडम बढ़ाना है, उसकी समझने की शक्ति बढ़ानी है, ठीक है, वही उसको पॉइंट, एक काबिल बनाना है, सिंपल शब्दों में कहते हैं, राइट राइट। अगर राइट वो राइट बना राइट दोगे तो नंबर तो अपने आप आएगा। एंड थैंक यू वही संकल्प, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी श्योर, वेरी वेरी श्योर अबाउट कि ये इंटरव्यू जो है वो सच में काम आएगा, एंड यू बहुत ही इन ट्रू बेस्ट सेंस है। तुमने जो ऑनेस्टी रखी है ना, ठीक है, उस वो ट्रू सेंस में बच्चों के काम आने वाले हैं, जो लोग भी इसे देखेंगे, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पब्लिश दिस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चा, थैंक यू एंड सर। बस आगे मचाना है तुम्हें, जो ऑनेस्टी अभी तुम रख रहे हो वही रखोगे ना यस तो सर, सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रॉम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फ्रॉम इंटायर इजी लर्निंग, हमारे सारे थैंक टीचर, सारे यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं उन सबकी तरफ से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यू, ऑल द बेस्ट संकल्प फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।